उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुनर्जन्म का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। 8 साल पहले एक शख्स की सांप काटने की वजह से मौत हो गई थी। अब 8 साल का लड़का आर्यन अपने आप को मनोज मिश्रा बताता है, यानी वो शख्स बताता है जिसकी मौत सांप काटने से हो गई थी। रिश्ते में वो शख्स इस बच्चे के नाना लगते थे। लड़का अपने नाना मनोज से जुड़ी कई ऐसी बातें बता रहा है जिससे इलाके भर में पुनर्जन्म जैसी बातें फैल रही हैं। लड़के ने बताया कि वो 8 साल पहले खेत में पानी लगा रहा था, उसी दौरान उसको सांप ने काट लिया था। रात को हुए थे खेत में और पानी लगा रहे थे, सांप आया काट लिया। किस वाले पैर में काटा था सांप ने? राइट में, लेफ्ट। अच्छा, सांप कैसे निकल के आया था? क्या कहीं छुपा बैठा था? कैसे था? छुपा था। लड़का अपनी नानी को पत्नी और अपने मामा को अपना बच्चा बता रहा है। पत्नी? कौन है ये? पत्नी। अच्छा, और ये कौन है? बेटी। जी, बेटी है। और बेटे भी थे आपके? कितने थे? दो। क्या क्या नाम था उनका? अजय और अनुज। आर्यन ने ये भी बताया कि घर का एक हिस्सा, एक चौखट उसने ही बनवाई है। कोई और चीज इस घर में ऐसी याद है जो तब जैसे आपने बनवाई हो, या क्या चीज है बता सकते हो अभी? क्या चीज है? कौन सा वाला? ये वाला घर बनवाया था पहले। ये आपने बनवाया था ये वाला? सुनिए आर्यन के मामा, जिन्हें वो अपना बेटा कहता है, वो क्या कह रहे हैं। पिताजी थे ना, उन्हें सर्प ने डस लिया था, तो स्टार्टिंग में ना किसी के पैर छूता था ना कुछ करता था, ठीक है। और जब वो मन पे हो तो सब कुछ बताता है कि ये गेट किसने तोड़वाया, किसने लगवाया, ये मैंने ऐसे लगवा के गया था, इसकी कीलें कहाँ गई, ये चीज बताता रहता है। और अभी छोटा है, और बड़ा होगा तो और कुछ बताएगा तब। 2015 में रतनपुर के रहने वाले मनोज मिश्रा अपने खेतों में पानी लगाने गए थे, इसी दौरान उनको खेतों में सांप ने काट लिया था। परिवार वालों ने काफी इलाज करवाया, लेकिन उसके बाद उनकी मौत हो गई। उस वक्त उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी। उनकी मौत के 20 दिन बाद बेटी रंजना ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया आर्यन। 4 साल बाद आर्यन ने रतनपुर गांव का नाम लेना शुरू किया और उसके बाद अपनी पूरी कहानी बता डाली। इस स्टोरी को देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये वाकई कोई पुनर्जन्म का मामला है? अगर हाँ या अगर नहीं तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।